हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं सोमनाथ की ओर। ये रास्ता बना है समुद्र के किनारे। मैं आपसे सलाह दूंगा कि आप इस रास्ते से ना जाए। ये रास्ता सिर्फ जो सर्किट हाउस बना है सोमनाथ का, वहाँ तक ही जाता है। वहाँ से आपको सोमनाथ जाने के लिए गलियों से गुजरना पड़ेगा, जहाँ आप भटक भी सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि आप हाईवे से ही होकर जाएं। ये रास्ता मैं आपको दिखाने के लिए ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ, इसलिए मुझे पता है कहाँ से कहाँ जाने का है। यहाँ से आप जा सकते हैं सर्किट हाउस तक, और आपको सुंदर नज़ारा दिखाने के लिए मैं इस रास्ते से आया हूँ। और आप देख सकते हैं सोमनाथ का ये सुंदर नज़ारा। जो आपको सामने दिख रहा है वो सोमनाथ का सर्किट हाउस है। देखिए आप, रास्ता काफ़ी सुंदर है, आप यहाँ घूमने आ सकते हैं। समुद्र के सामने बना है सुंदर सा ये सर्किट हाउस, जिसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हुआ था। मंदिर की तरह बना हुआ है ये, देखिए आप। ये सुंदर सा अतिथि गुरु सर्किट हाउस देखिए सोमनाथ का। और अभी हम पहुंच गए हैं सोमनाथ मंदिर। भगवान श्री सोमनाथ का ये अति सुंदर अति पावन मंदिर बना है। जय सोमनाथ। मंदिर के अंदर शूटिंग उतारने की परमिशन नहीं है, इसलिए हम बाहर से ही आपको दिखा रहे हैं, पर आप ज़रूर आए। और अभी हम पहुंच गए हैं समुद्र दर्शन पथ पर। यहां आपको जाने के लिए टिकट मिल जाएगी, और आप देख सकते हैं यहां टिकट के चार्जेस। तो चलिए, टिकट हमने ले ली है, अब चलते हैं। और अभी हम है हेरिटेज वॉक पे। यहाँ शानदार चित्र बनाए गए हैं सोमनाथ का हेरिटेज वॉक, देख सकते हैं आप। दीवारों पर बनाया गया हुआ भगवान विष्णु के अलग अलग रूप को यहाँ उतारा गया है, देख सकते हैं आप। कृष्ण
भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान बुद्ध और ये कलयुग में अवतार लेंगे भगवान कल्कि। काफ़ी शानदार चित्र बनाए गए हैं दीवारों पर, आपको एक अलग ही एहसास होगा यहाँ चलने का। दूसरी तरफ रामायण का चित्रण किया हुआ है। एक बार आप जरूर यहाँ आए और ये हेरिटेज वॉक का सफर कीजिए। यह सोमनाथ का शानदार बीच देख सकते हैं। यह भगवान हनुमान जी की ऊंची प्रतिमा यहाँ बनाई गई है। यहाँ समुद्र के सामने खाने पीने की दुकानें भी बनाई गई है, यहाँ आप खा पी सकते हैं और समुद्र का नज़ारा देख सकते हैं। अभी हम चल रहे हैं हेरिटेज वॉक पर। शाम को ये नज़ारा बहुत सुंदर होता है, यहाँ शाम को आना बहुत ही अच्छा होता है। मैं तो यहाँ आपको दिखाने के लिए अभी आया हूँ, लेकिन अब आप शाम को आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये 1.5 किलोमीटर का बना हुआ है सोमनाथ के पीछे की साइड। देखिए सोमनाथ का शानदार नज़ारा पीछे की साइड से, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ से समुद्र का नज़ारा और सोमनाथ का नज़ारा दोनों मिलेगा। आरती चालू और हमारा खुश नसीब है कि यहाँ आरती भी चालू हो गई है, आप सुन सकते हैं आरती। भगवान श्री सोमनाथ की आरती का हिस्सा बनी है। जय सोमनाथ। समुद्र का शानदार नज़ारा देखिए।
हाय दोस्तों, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आओ जो